असलकम एवरी एवरीवन अच्छा ये लास्ट है आपका कि जिसमें पुलिस के बारे में हमें स्टडी करना है ठीक है अच्छा ये जो आपके यानी आपने शायद जब रूल ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा था स्टडी किया था तो उसमें आपने एक बोर्ड टाइप चीज़ देखी थी उस पर हम स्ट्रिंग्स वग़ैरह से लोड को हैंग करते थे सस्पेंड करते थे वो याद होगा आपको तो उसी पर हम ना हमारे पास छोटी छोटी पुलिस भी हैं तो सिस्टम ऑफ पुलिस को भी उसी पर हम दिखाते हैं तो जब इन शाल आएँगे तो उस पर आपको शो भी कर दी जाएंगी बाकी ये कि पुलिस के बारे में जो बेसिक्स हैं सारी बातें वो मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता हूँ ठीक है अच्छा देखिए हमारे पास बेसिकली तो तीन तरह की पुलिस होती हैं लेकिन दो सबसे अहम है जिसमें फिक्स्ड पुल और मूवेबल पुल है ठीक है तो हमें ये दो स्टडी करनी है और ना फिक्सड और मूवेबल का जो है वो एक कम्बिनेशन भी होती है तो वो जो है वो हर जगह नहीं यूज़ होती खैर तो फिक्स्ड पुली में बेसिकली हमारे पास जो पुली का ब्लॉक होता है या ड्रम होता है ब्लॉक ये चीज़ होती है जो पर्पल कलर में यहाँ पे शो हो रही है ना ये ये बेसिकली फ़िक्स हुआ हुआ होता है ठीक है ये मूव नहीं कर सकता तो लिहाजा पुली भी ख़ुद मूव नहीं कर सकती एक ही जगह ठहरी रहती है इससे फ़ायदा क्या होता है कि जस्ट आप जो भी लोड कैर मतलब उसको जिस लोड को भी आप लिफ्ट करना चाह रहे हैं ठीक है तो आपको एक आसानी होती है क्योंकि एक ही स्ट्रिंग के दो एंड्स में से एक एंड पे लोड होता है सस्पेंड हुआ हुआ और दूसरा एंड आपके हाथ में होता है तो आप जो है वो अपनी मर्जी की डायरेक्शन में एफर्ट लगा के लोड को लिफ्ट कर सकते हैं ठीक है एक तो ये तरीका है ना कि लोड को लिफ्ट करने का डायरेक्ट आप रस्सी से खींच रहे हो लेकिन अगर डायरेक्ट आप रस्सी से ऊपर खींच रहे हैं तो आपको जो एफर्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगाना पड़ेगा जो कि लगाना मुश्किल होता है लेकिन इस फिगर में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको इस पुली की वजह से जो डायरेक्शन है एफर्ट की जो कि यहाँ पे रेड कलर के एरो से शो हो रही है वो डायरेक्शन थोड़ी डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड इंसान को खींचना आसान लगता है सही है तो इससे हम हमारे पास फायदा क्या होता है अच्छा ऐसा नहीं है कि आपका यानी मैकेनिकल एडवांटेज इसमें जो है वो कोई बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज इसका वन होता है ठीक है अच्छा मैकेनिकल एडवांटेज अगर किसी को मतलब याद नहीं है तो मैं मतलब मुख्तरा ही बता देता हूँ कि मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास जो है वो रेशो होता है किस चीज़ का रेशो होता है लोड और एफर्ट का ठीक है तो यहाँ पे तो इतना उतना ही आपको एफर्ट लगाना पड़ता है बेसिकली इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज वन होता है जस्ट आपके पास ये है कि डायरेक्शन की या ओरिएंटेशन जो है एफर्ट की वो आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं ठीक है ना आगे इसकी डेफिनेशन लिखी होगी वही अफिक्स इज वन इन विच द ड्रम इज सिक्योर्ड टू अ सिंगल स्पॉट जो ड्रम होता है इसका वो एक स्पॉट पे सिंगल स्पॉट पे टेकआ होता है सिक्योर्ड होता है वाइल द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट और मूव एन ऑब्जेक्ट इज़ नो डिफरेंट दैन इफ यू वर लिफ्टिंग इट बाई हैंड इसका मतलब ये कि फोर्स जो है चाहे इस कंडीशन में जैसे कि आप नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो फोर्स कोई डिफरेंट नहीं होगी उससे कि अगर आप नीचे से ऊपर जस्ट एक रस्सी से खींच रहे हो तो अपवर डायरेक्शन में एफर्ट लगा के यानी चाहें तो आप एक लोड को अपवर डायरेक्शन में एफर्ट लगा के स्ट्रिंग पे खींचें तो जितने अगर लेट से हंड्रेड न्यूटन्स की आप फोर्स लगा रहे हैं तो उसी लोड को अगर आप इस फिक्स पुली के ज़रिए आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रिंग को पुल करके खींचेंगे तो भी आपको हंड्रेड न्यूटन की ही एफर्ट अप्लाई करनी पड़ेगी ठीक है द फिक्स पुली अलाउज़ यू टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स नीडेड जो कि बाद मैंने भी आपको बताई कि सिर्फ जो है फिक्स पुली में क्या है कि जो आप एफर्ट लगा रहे हैं उसकी डायरेक्शन आप अपनी मर्जी से ओरिएंट कर सकते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल वन अटैच्ड to a bucket pulling water from a well a fixed pulley allows you to pull literally to raise the bucket in a more convenient manner than if you were hauling a bucket of water up vertically hand over hand yani aap jab isko is tarah jab ek bucket hoti hai bucket पानी भरा हुआ होता है किसी well में से पुराने ज़माने में इस तरह होता था तो pulley के ज़रिए उसको जब आप खींच के नीचे की तरफ आप स्ट्रिंग को खींचते हैं पुलिस से जब होती हुई आ रही होती है तो वो आपके लिए आसानी होती है बन नस्बत इसके कि अगर आप डायरेक्ट वेल के अंदर डाल के उसको स्ट्रिंग को अपवर्ड डायरेक्शन में खींच रहे हो ठीक है यानी इन शॉर्ट ये कि आपको मैकेनिकल एडवांटेज तो वन ही मिल रहा है मतलब तो जितना लोड है उतना ही एफर्ट लेकिन आपको फ़ायदा क्या हो रहा है कि आप जो है वो एफर्ट की ओरिएंटेशन अपने हिसाब से सेट कर रहे हैं ठीक है आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज कर सकते हैं फिक्स पुली के जरिए द बकेट ऑफ वाटर विल स्टिल फील लाइक द सेम वेट बट लिफ्टिंग इज़ मोर कन्वीनियंट भाई ज़ाहिर सी बात है जब आप एफर्ट इस दफ़ा भी उतना ही लगा रहे हैं जितना कि आप वैसे लगाते अगर आप बगैर पुली के उठा रहे होते तो मतलब फोर्स तो सेम है ठीक है लिफ्टिंग की फोर्स तो सेम है बट आप कन्वीनियंट वे में कर सकते हैं क्यों क्योंकि डायरेक्शन अपनी मर्जी के हिसाब से सेट करेंगे आगे चलते हैं मूवेबल पुली पे मूवेबल पुली में क्या होता है बस इसका जो ड्रम है ठीक है या ब्लॉक है वो फिक्स नहीं होता जब फिक्स नहीं होता तो ये पुली खुद भी जो है वो क्या हो सकती है मूव हो सकती है तो अब इस पुली का जो एक मतलब एक इसका जो नीचे हुक होता है इसमें लोड को हैंग कर दिया जाता है जबकि पुली की जो स्ट्रिंग होती है उस तो स्ट्रिंग का एक सिरा किसी सपोर्ट से फिक्स्ड होता है और दूसरा सिरा जो होता है वो फ्री होता है दूसरा एंड फ्री होता है ठीक है तो दूसरे एंड पे हमेशा क्या अप्लाई किया जाता है एफर्ट अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे लोड अगर 100 न्यूटन का है तो आपको पता है कि स्ट्रिंग होती है तो उसमें टेंशन होती है अब स्ट्रिंग के दो एंड्स हैं दो एंड्स में अगर उसूलन इसको आपको लिफ्ट करना है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब स्टिल द फोर्सेस मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम तो अगर डाउनवर्ड 100 न्यूटन है तो अपवर्ड भी 100 न्यूटन होना चाहिए फोर्सेस का सम तो क्योंकि रस्सी एक ही है थ्रू आउट तो अगर राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे आप एफर्ट लगा रहे हैं राइट हैंड साइड पर फिक्सड है तो थ्रू आउट जो इसमें अपवर्ड फोर्सेस हैं ठीक है दोनों तरफ इस रोप के दोनों जानेब वो बिल्कुल सिमेट्रिक इक्वल होंगी ठीक है राइट हैंड साइड पे 15 न्यूटन टेंशन होगी और लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप फोर्स ऊपर लगा रहे होंगे वो आप फिफ्टी न्यूटन की ही अगर लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो लिफ्ट हो जाएगा लिफ्ट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी टोटल फोर्सेस तो बैलेंस्ड हैं नेट एक्सेलरेशन ज़ीरो है ठीक है तो इससे फ़ायदा क्या हुआ इससे फ़ायदा आपको ये हुआ कि यहाँ पे आप डायरेक्शन को तो यानी ओरिएंटेशन को तो अपने मर्ज़ी की साइड नहीं कर रहे ठीक है भले हो सकता है आपको इतना कन्वीनियन ना पड़े जो वे है या जो डायरेक्शन है वो कन्वीनियन ना हो लेकिन इससे फ़ायदा ये है कि इस दफ़ा आपको एफ़र्ट जो है वो लोड के मुकाबले में आधा लगाना पड़ रहा है और जब एफ़र्ट लोड के मुकाबले में आपको आधा लगाना पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि हम जो हैं वो इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे लोड और, और एफर्ट का रेशो तो लोड और एफर्ट का जब रेशो निकालेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 100 अपॉन टू जैसे इस एग्ज़ाम्पल के मुताबिक अगर देखें तो 100 अपॉन फिफ्टी सॉरी ठीक है 100 न्यूटन अपॉन फिफ्टी न्यूटन तो दैट इज़ टू यानी यहाँ पे आपको जितनी यानी जो लोड आप ओवरकम कर रहे हैं जो लोड आप लिफ्ट कर रहे हैं उसके मुकाबले में एफर्ट आधा लगा रहे हैं या ये कह सकते हैं कि जितना आप एफर्ट लगा रहे हैं उसके मुकाबले में दुगना लोड ओवरकम कर रहे हैं दुगना लोड लिफ्ट कर रहे हैं ठीक है उसकी डेफिनेशन बताई हुई है मूविल इज़ वन इन विच ड्रम मूव्स एज यू आर मूविंग द लोड यानी जब आप लोड को मूव कर रहे होते हैं ड्रम भी बेसिकली पुली का मूव हो रहा होता है देर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट यू नीड टू अप्लाई एनी फोर्स की इस दफा डायरेक्शन तो नहीं तब्दील होती बट द लोड विल फील लाइटर दैन इट इज़ लेकिन अगर आप उसको डायरेक्ट हाथ से उठा रहे होते हैं, तो हंड्रेड तो न्यूटन का ही फील होता लेकिन एक मूवेबल पुली की मदद से जब आप उसको लिफ्ट कर रहे हैं तो आपके जो हाथ फोर्स लगा रहा है वो तो सिर्फ फिफ्टी न्यूटन है तो जाहिर सी बात है कि वो आपको लाइटर लगेगा अच्छा एक चीज ये कि कोई इंसान अगर ये सोच रहा हो कि भाई पुली खुद आपने जो हैंग की हुई है तो पुली का भी तो कोई मास होगा लिहाजा उसका वेट होगा तो ये एक चीज है मतलब आप पुली अगर इतनी भारी लगा रहे हैं कि आपको उतना ही पड़ रहा है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है मूवेबल पुली का ठीक है तो आप पुली लाइटर या छोटी पुली यूज़ करें कि जिसमें पुली के मास को या पुली के वेट को हम लोड के मुकाबले में निगलैक्ट भी कर सकते हो ठीक है यानी इतना स्टेबल सिस्टम हो वरना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है और फिर दूसरी एक चीज़ ये कि वैसे स्ट्रिंग में जो है वो जब स्ट्रिंग जहाँ कॉन्टैक्ट में होता है ग्रूव रिम के साथ पुली के तो वहाँ तो फ्रिक्शन भी होती है लेकिन हम उसको भी इस तरह करते हैं कि ऐसे मटेरियल को यूज़ करते हैं कि फ्रिक्शन कम से कम हो सो दैट वी कैन नेग्लेक्ट दैट फ्रिक्शन ठीक है आगे लिखा हुआ है इफ़ यू आर हॉलिंग अ हैवी हे बेल अप इनटू लॉफ्ट ऑफ अ बार्न फॉर एग्जाम्पल अ मूवेबल पुली वुड मेक द लोड फील मच लाइटर ऑल्डो द डायरेक्शन यू आर पुलिंग वुड बी द सेम अच्छा ये बेसिकली अगर है समझते हैं आप लोग हे हे बेसिकली बहुत वो होता है यानी जैसे जो हे तो मैं आपने शायद पता नहीं देखा हो नहीं देखा हो जो बहुत भूसा वगैरह होता है और वह दूसरी चीज़ें होती हैं ना जो जिनके पूरे पूरे गट्ठे होते हैं ठीक है बेल्स होते हैं पूरे उसको आप जो है वो अगर उठा रहे हो ठीक है आप इनटू द लॉफ्ट ऑफ अ बार्न उसको आप बेसिकली लिफ्ट कर रहे हो ठीक है उसको आप आ, मतलब प्रेस करना हो एक हाइट पे पहुंचाना हो ऊपर उठाना हो ठीक है तो आपको क्या करना पड़ेगा मूवेबल पुली अगर आप यूज़ करेंगे तो उससे फायदा ये होगा कि वो आपको हल्का फ़ील होगा हल्का क्यों फ़ील होगा क्योंकि जितना उसका वेट होगा उसके मुकाबले में आपको एफर्ट आधा लगाना पड़ेगा लेकिन डायरेक्शन जो है वो तब्दील नहीं होगी ठीक है सो आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी अच्छा इसमें बीच में जो एग्जाम्पल में ये बात लिखी है ये भले आपको अगर इतना कोई मुश्किल लग रही है तो आप कोई सिंपल सी एग्जाम्पल भी ले सकते हैं वैसे ये ना उसको जैसे जो मैंने अभी आपको बताया कि भूसा होता है या गट्ठा होता है जो बेसिकली घोड़े वगैरह खाते हैं गाय या इस तरह के जो मवेशी वो खाते हैं ना उसके लिए टर्म यूज़ की जा रही होती है हे बेल अप टू द लॉफ्ट ऑफ अ बार्न तो ये लॉफ्ट ऑफ़ अ बार्न बेसिकली जो है वो एक तरह से समझना आप वो जो हिस्सा होता है वो एरिया होता है जहाँ पे आप उसको स्टोर कर रहे होते हैं गोदाम टाइप का जिसमें वो सारा भूसा और वो जो इनके खाने होते हैं मवेशियों के वो तो उसको ज़ाहिर है लिफ्ट करना पड़ता है तो उसकी बात की जा रही है यहाँ पे ठीक है तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है इट्स इट एग्जाम्पल इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल वो मैंने एक जगह से ली थी तो वहाँ लिखी हुई थी आगे हम चलते हैं अपने अप्रेटस की तरफ ये हमारा एप्रेटस है अच्छा यहाँ पे ये ग्रिड पेपर है ग्रिड पेपर वो जो आपको लाइंस नजर आ रही है ना बहुत सारी अच्छा ये होता भी है कुछ मॉडल्स में ये है और कुछ में नहीं है तो हमारे पास परफोरेटेड वाला है ठीक है तो आई थिंक शायद उनके पास ग्रिड पेपर भी हो उस पर अटैच कर सकते हैं इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है तो ये हमारे पास पूरा सेटअप है इसमें हमारे पास जो है वो पुलिस भी हैं और लोड्स भी हैं और फिर जो है वो डायल भी हैं और फोर्स मतलब बेसिकली गेजेस भी हैं ठीक है, है ना जिस पर हम जो आपको नज़र आ रही नीडल कि आपको वैल्यू पता चल रही होगी यहाँ पर ठीक है आगे चलते हैं अच्छा लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसमें दिए हुए एक्यूमलेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस विथ फोर्स पैरलोग्राम अच्छा फोर्स पैरलोग्राम आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है तो उस पर आप जो है वो फोर्स पैरलोग्राम के जरिए आप और रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के कॉन्सेप्ट को बेसिकली कर सकते हैं स्टडी एक्ब्रियम ऑफ़ फोर्सेस लगा सकते हैं लॉ ऑफ लिवर्स डिटर्मिनेशन ऑफ मोमेंट्स एंड एकब्रियम ऑफ मोमेंट लॉ ऑफ लिवर्स बेसिकली वही जैसे लिवर्स को आप स्टडी करते हैं फिर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वगैरह लगाते हैं ठीक है ना कि सम समाफॉल क्लॉक बाई स्टॉक्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉक बाई स्टॉक्स कम्बाइंड लिवर सिस्टम्स फोर्सेज इन बेयरिंग्स अगर कोई बेयरिंग्स हैं तो उनमें क्या फोरसेज हैं फिर डिफ्लेक्शन एंड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स बाई फिक्सड एंड फ्री पुलिस अगर आप फिक्स पुली लगा रहे हैं या फ्री पुली लगा रहे हैं तो किस तरह आप फोर्स को रिजॉल्व करेंगे ठीक है अच्छा फिर ये कुछ सप्लीमेंट्री चीज़ें दी हैं जिसमें सप्लीमेंट्री मतलब जो साथ में सेट्स मिलते हैं अब इसमें मुख्तलिफ़ मॉडल्स के लिए अच्छा हमारे पास टी एम वन वन ज़ीरो है तो इसमें वन वन जीरो पॉइंट जीरो वन और वन वन ज़ीरो पॉइंट जीरो टू और वन वन जीरो पॉइंट ज़ीरो थ्री ये जो है वो सप्लीमेंट्री साइड्स बताएं कि इंक्लाइन प्लेन और फ्रिक्शन वाली चीज़ जो कि आप पहले भी कर चुके थे और मतलब उसमें भी आप ये चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं ठीक है ना पुली को पुली वाले केस को और पुली के ब्लॉक्स भी हमारे पास साथ में मौजूद हैं और गेयर व्हील्स भी मौजूद हैं आगे फिर डिस्क्रिप्शन है कि वर्सा एक्सपेरिमेंट एक्सपैरिमेंट यूनिट डिमॉन्सट्रेटिंग प्लैनर मैकेल फोर्स सिस्टम्स वर्सा इसको इसलिए कह रहे हैं कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं दो प्रैक्ट दो तीन प्रैक्टिकल तो आपने इसी पे किए हैं रूल ऑफ पैरोग्राम देखा था फिर उसी को के लिए आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले के लिए उसने आपने हैंग की थी उसमें चीज़ें ठीक है फिर ये बता रहे हैं कि साथ इन्हीं के साथ में वो फ्रिक्शन वाला जो आपने किया था मुझे एक इंक्लाइंट प्लेन था वो भी इसी का एक सेट है मतलब तो इसी का हिस्सा है पूरा जो ऑपरेटर्स है ना स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन कैन बी एक्सटेंडेड बाय सप्लीमेंट्री सेट्स यानी जो एक्सपेरिमेंटेशन के स्कोप है वो आप बढ़ा सकते हैं उन सप्लीमेंट्री चीज़ों के साथ यानी कहीं अगर आपको फ्रिक्शन की इन्वॉलमेंट करनी है पुली भी साथ में करनी है तो आप उन सब सेट्स को मिला मिला के और कम्बिनेशन बना सकते हैं टू स्टडी द फोर्सेस फिर द एक्सपेरमेंटल फंडामेंटल प्रिंसिटैटिकॉर्स एंड मोमेंट्स रेजोल्यूशन द लॉ ऑफ लिवर्स एंड मोर ये जो पूरा एक्सपेरिमेंटल यूनिट है वो आपको क्या इसमें हम डिमॉन्सट्रेशन क्या होती है किस चीज की होती है जो आपके स्टेटिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं जिसमें एकबरीम है फोर्सेज क्या ठीक है आप समेशन ऑफ ऑल फोसेज इक्वल टू जीरो समेशन ऑफ़ ऑल मोमेंट्स इक्वल टू जीरो और फोर्स होती है उसको रिजोल्व करते हैं उसके रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेट्स में एंड मैनी मोर आगे चलते हैं अब इसमें ये बेसिकली कुछ बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उसके हवाले से ठीक है जो असल कॉन्सेप्ट है वो तो मैं आपको भी बता चुका हूँ पुलिस का द बेस एलिमेंट इज़ एन अब अच्छा पुली आपको पता होना चाहिए कि वो सिंपल मशीन्स में से एक है ठीक है सिंपल मशीन में से एक मशीन है पुली द बेस एलिमेंट इज एन अपराइट पैनल वो एक पैनल होता है पूरा यही चीज ये यह पूरा एक पैनल है ना जो आपको एक रेक्टेंगुलर शेप में नजर आ रहा है ये पैनल है फीट एनेबल टू तो स्टैंड ऑन लेबोरेटोरी ब्रांच लेबोरेटोरी बेंच या लेबोरेटरी जो भी आप कहते हैं फीट इसके बेसिकली यहाँ पे दिए मैं नीचे ये ब्लैक ठीक है ऑल पार्ट्स रिक्वाइड फॉर द एक्सपेरिमेंट कैन भी क्विकली अटैच टू द रेल्स अराउंड द एजिस यानी कोई भी अगर आपको पुली या कोई इस तरह की चीज़ है तो वो आप एजिस पे लगा सकते हैं जैसे कि यहाँ पे एज पे लगाया हुआ है इम प्रिंटेड लाइन ग्रिड एंड ग्रिड मार्क्स लीवर असेंबली आप इस पर पूरा सब कुछ असम्बल कर सकते हैं जिस हिस्से पर क्या है ग्रिड मार्क्स हुए हैं हमारे पास यहाँ परफोरेटेड है यानी होल्स हैं बहुत सारे द लेंस मार्क्ड ऑन द ग्रिड मेक इट ईजी टू डिफाइन एंगल्स इसके जरिए अगर ग्रिड्स लगी हुई हैं तो एंगल्स को डिफाइन करना आसान होता है क्योंकि जहर सी बात है ये ग्रिड्स जो भी होती हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती हैं और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के रेफरेंस से अगर आपको एंगल लिख रहे होते हैं सो दैट इज मच ईजी मच ईजी है ठीक है अ वाइड रेंज ऑफ माउंटिंग सच एस केबल्स रॉड्स पुलिस टॉर्क डिस्क पेवर्ड बियरिंग्स एंड द लाइक कैन बी ईजिल फिक्सड इन प्लेस एंड कम मुख्तलिफ़ चीज़ें जहाँ पर बताइए जो साथ में दी जाती हैं इसमें केबल्स हैं हमारे पास रॉड्स हैं पुलिस हैं टॉर्क डिस्क हैं पेवर्ड बियरिंग्स हैं जिनको हम साथ में वो कर सकते हैं बॉल बियरिंग्स वगैरह भी हैं ठीक है जिसकी वजह से लो फ्रिक्शन होता है लो फ्रिक्शन टॉर्क फिर आगे ये बताया हुआ है कि इसकी जो वर्सटाइलिटी है वो स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प करती है टू तो एक्स एक्सप्लोर डिफरेंट experiments, ठीक है फिर आगे अगेन कुछ बातें बताई हुई हैं लार्ज फॉर्मेट फोर्सेस मतलब ये मैं वो चीज़ें हैं जो इसके इक्विपमेंट के बारे में है ना इसके मैनुअल से जो कुछ मैंने समराइज करके वो किया हुआ है वरना तो मैनुअल इसका बहुत मोटा सा होता है मतलब मोटा मतलब इन सेंस कि उसमें का, काफ़ी सारे पेजेज होते हैं Large format force gauges are particularly well suited to demonstration purposes. The adjustment transparent dial enables input loads. अच्छा डायल जो लगाया हुआ था उसलिए लगाता है ताकि उस पर आप जो है वो इनपुट लोड्स हो, इनपुट लोड्स यानी जो भी लोड्स आप हैंग किए हुए हैं यहाँ पर डायल है मैं दिखा देता हूँ ये dial है ये सिल्वर कलर का जो शोर है ये डाइल है ठीक है ना बेसिकली पूरा पुलिस सिस्टम ही तो है ठीक है और जो डायल गेज है फोर्स गेज है वो ये यह है आपको डेड वेट्स दिए हुए होते हैं डेड वेट मैंने आपको पहले भी बताया था कोई भी वेट जिस पे लिखा हुआ होता है कि इतना इतने न्यूटन्स का है ठीक है फिर स्टिंग हवाले से बताया हमें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं दी हुई मार्किंग स्केच के लिए जो है वो पूरा ये ग्रिड पेपर है ठीक है पैनल है विद इरेजेबल मार्कर्स है ऑल पार्ट्स आर क्लियरली लेड आउट वेल प्रोटेक्टेड स्टोरेज सिस्टम फिर ठीक है और द स्टोरे स्टोरेज सिस्टम आर स्टैकेबल प्रोवाइडिंग फॉर स्पेस सेविंग स्टोरेज मतलब ये काफ़ी जितनी चीज़ें हैं ना इनकी स्टैकिंग भी होती है स्टैकिंग मतलब एक बॉक्स होता है उसके अंदर सबको प्रॉपरली प्लेसमेंट होती है उनकी थ्री सप्लीमेंट्री सेट्स आर अवेलेबल टू एक्सटेंड द स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन अच्छा और साथ में एक्सपेरिमेंट रिलेटिंग टू इंक्लाइंट प्लेन फ्रिक्शन पुल ब्लॉक्स एंड गेयर व्हील्स तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको अब ये देख लें इसके पार्ट्स नंबर वन पर आपको नज़र आ रहा है फोर्स गेज नंबर टू पर है पुल रॉड नंबर थ्री पे वेट विद हैंगर ठीक है यहाँ पर मार्किंगस हुई हुई हैं फोर पे है पोल एंड पोस्ट रॉड हमारे पास फाइव पे लीवर रॉड है और लीवर रॉड ही नीचे जो नजर आ रही है आपको सिक्स पे हमारे पास स्लाइड फिक्सिंग्स सेवन पे पुली है और आप देख सकते हैं सेवन नंबर पे जो पुली नज़र आ रही है ये पुली है ओके okay. ऐट पे है टॉप और नाइन पे पिवट विद बियरिंग टेन पे टॉर्क डिस्क विद बियरिंग और एलेवन पे पुली ताकि ये इसलिए है ताकि आप इसको देख के ना मतलब विजुअलाइज करके और दिमाग में बैठ जाए आपके कि अच्छा ये पार्ट ये था सही है पेवर्ड बियरिंग नाइन पे नजर आ रहा है आपको ये ये बेसिकली सब क्लैंपिंग वगैरह इसमें बहुत सारे जो यानी सप्लीमेंट्री पार्ट्स हैं वो क्लैंपिंग के लिए और चीज़ों को फिक्स करने के लिए भी यूज किए जाते हैं जैसे कि पेवर्ड बियरिंग है ठीक है पुल एंड पुश रॉड है तो ये यानी सप्लीमेंट्री है आगे इसकी स्पेसिफिकेशन है एक्सपेरिमेंटल टू डिमॉन्सट्रेट सिंपल प्लानर फोर्स सिस्टम्स ऐसी बात है यहाँ पे फोर्स के सिस्टम्स होंगे जब आप पुली पे भी क्या लोड को हैंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी जो स्ट्रिंग होगी उसके अंदर टेंशन होंगी फोर्सेस होंगी पैनल विद रेल्स अराउंड द एजेस एजेस पे रेल्स हैं जहाँ पे आप चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं माउंटिंग्स मतलब वो जो अगर पुली को आप लगा रहे हैं या गेज को लगा रहे हैं पैनल विद इम्प्रिंटेड 50 एम mm एम लाइन ग्रिड लाइन ग्रिड्स हैं उसमें ठीक है लीवर रॉड्स विद 50 एम एम लीवर रॉड्स में भी जो है वो 50 एम mm एम की ग्रिड है यहाँ पे ये चीज़ लीवर रॉड आपको नजर आ रही है कौन से पे फाइव पे ये इसमें भी ग्रिड्स दी हुई होती हैं वाइड रेंज ऑफ माउंटिंग्स माउंटिंग्स मतलब किसी भी उस चीज़ को कहते हैं जिसको हम उसके ऊपर माउंट कर सकें रख सकें लगा सकें केबल्स हैं रॉड्स हैं पुलिस हैं टॉर्क डिस्क ठीक है फोर्स गेजेस फॉर टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्सेस फोर्स गेजेस वही थे जो मैंने अभी आपको बताए थे यहाँ पे नंबर वन पे ये इस पे वैल्यू आ रही होगी ना कितनी न्यूटन है पॉजिटिव आ रही है तो मतलब टेंसाइल है नेगेटिव आ रही है तो कंप्रेसिव फोर्स है ट्रांसपेरेंट डायल ऑन फोर्स गेज रोटेटेबल ट्रांसपेरेंट डायल है उसका स्टोरेज सिस्टम टू हाउस ऑल पार्ट स्टोरेज सिस्टम है पूरा दिया हुआ जिसमें सारी चीज़ों को रखा जाता है फिर यहाँ पे इस तरह का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ठीक है अब यहाँ पे रेड और ब्लू से जो शो हो रहा है रेड में केबल्स शो हो रही हैं ब्लू से फोर्से शो हो रही हैं ठीक है ऊपर अब आप खुद ही देख से पहचान सकते हैं टॉप पर फोर्स गेज लगा हुआ है फिर एक लॉन्ग लेवर रॉड है फिर एक और उससे छोटी भी है फिर पेवर्ड बेयरिंग है पेवर्ड बेयरिंग नंबर थ्री पे आपको नजर आ रही है यहाँ पे जहाँ से आपने रॉड को अटैच किया हुआ है एक सिरे पे ठीक है फिर फोर पे आपने वेट है जिसका कुछ डेड वेट होगा तो इस तरह आपने हैंग किया हुआ है आपने पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है उसमें रॉड है रॉड कनेक्टेड है फोर्स गेज से और दूसरी तरफ से वो वही रॉड जो है वो केबल के जरिए छोटी रॉड से कनेक्टेड है फिर वो छोटी रॉड एक और केबल के जरिए लोड से कनेक्टेड है तो वो आप देख सकते हैं कि फाइनली जो बड़ी वाली रॉड है ठीक है लेवर रॉड लॉन्ग लेवर रॉड उसमें कितनी फोर्स होगी वो गेज बता देगा आपको फोर्स गेज ये टेक्निकल डाटा थोड़ा दिया हुआ है इसका कि मतलब टोटल जो पैनल है उसकी विथ्थ और हाइट कितनी है 600 हंड्रेड बावन हंड्रेड एम पूरा 13 के जी का है, वो लाइन ग्रेड 50 एम mm एम है फिर फोर्स गेजेस फॉर टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्स मेजरिंग रेंज जो है वो टोटल मैक्सिमम फिफ्ट प्लस और माइनस फिफ्टी न्यूटन तक है डिस्प्ले डाया जो है हमारे पास गेज का वो 110 सौ mm दस है और प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओवर लोडिंग अगर ओवर लोडिंग होती है उसके अगेंस्ट उसकी प्रोटेक्शन भी है कि फिर उसको हटा दिया जाता है पता चल जाता है वेट्स बताए हुए हैं कि हमारे पास फाइव न्यूटन वाले दो हैं और जो हैंगर के साथ हैं और फाइव न्यूटन वाले जो सिम सिंगल सिंगल फाइव न्यूटन वाले हैं वो हमारे पास सिक्स हैं फिर नीचे पूरे दोबारा पैनल का वो दिया हुआ है सिक्स हंड्रेड पर सेवन हंड्रेड पर पूरा दिया हुआ है सिस्टम का और वेट अप्रोक्स थर्टी के जी जो दिया हुआ है ये सप्लीमेंट्री सारी चीज़ों को मिला के है थर्टी के जी खैर आगे ये डिफरेंट स्टाइल है इसमें जो है वो मल्टीपल केबल्स नज़र आ रही हैं आपको लोड नज़र आ रहे हैं ठीक है पुलिस भी एक से ज़्यादा हैं सिस्टम में दो दो आपको फोर्स गेजेस नज़र आ रहे हैं ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है नज़र भी आ रहा है आपको नंबर वन पे फोर केबल पुली ब्लॉक हैं चार केबल्स हैं पुली ब्लॉक फोर्स गेज है नंबर टू पे लगा हुआ ठीक है जो आपको बता रहा होगा किसी भी केबल में कितनी फोर्स है नंबर थ्री पे वेट आपने हैंग किया हुआ है नंबर फोर पे आपके पास सिक्स सेबल सिक्स केबल पुली ब्लॉक है ठीक है जिसके अंदर छः केबल्स होंगी ठीक है तो मतलब आप मुख्तलफ़ केबल्स को चेंज करके लोड्स को चेंज करके उनकी ओरिएंटेशन चेंज करके मेंबर्स चेंज करके रॉड्स वगैरह लगा के और आप जो है वो किसी भी मेंबर में अगर चाहें तो ये फोर्स गेज लगा के फोर्स मालूम कर सकते हैं सो दैट्स ऑल मतलब आई थिंक जो बेसिक्स हैं पुली के बारे में फिक्स पुली और असल में तो आपको फिक्स पुली और मोबेबल पुली पता होनी चाहिए और फिर ये पता होना चाहिए कि ये फोर्स गेज को के ज़रिए आप कोई भी पुली या केबल वगैरह लगाते हैं उसमें फ़ोर्स कैसे निकालते हैं ठीक है ठीके? बाकी इन शाली टाइम मिलेगा तो फिर उसको हम दिखा भी देंगे आपको उसकी डेमानस्ट्रेशन सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़